हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं भाई? दोस्तों आप अच्छे होंगे, आपकी तारीफ चली होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप पढ़ाने वाले हैं बिंदु के प्रक्षेप। ओके दोस्तों, आपको बिंदु के प्रक्षेप इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा ना कि आप उसके मास्टर बन जाएंगे, मतलब दूसरों को भी समझा सकेंगे। ओके तो आप फिक्र घुसे दोस्त, अगर आपके पास यहाँ इस टाइम पर ड्राइंग सीट और MD है तो लेकर तैयार हो जाइए मेरे साथ ड्राइंग बनाने के लिए। और अगर दोस्तों नहीं है तो देखिए, सीखिए और बाद में बनाइएगा। ओके चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है? देखने के बाद दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दूसरों के पास, अपने दोस्तों के पास, ठीक है? क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतने लोग हमसे जुड़ेंगे दोस्त। ओके चलिए, यहाँ दोस्तों हम क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि अगर आपको यहाँ बिंदु के प्रक्षेप में कुछ नहीं आता दोस्तों, तब भी आपको पूरा पूरा समझाने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा, निम्न बिंदुओं के प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन खींचो जबकि उनके प्रक्षेपी मतलब प्रोजेक्शंस आपस में 30 mm की दूरी पर है। ओके मतलब एक हमारा प्रोजेक्शन अगर यहाँ पे है दोस्त, तो तीसरा दूसरा प्रोजेक्शन हमारा 30 mm की दूरी पर होगा, ठीक है? ये कह रहा है। अब ये कंडीशन दिया हुआ है जिसपे हमें क्या करना है दोस्तों, हमें बनाना है। जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट, ठीक है? चलिए यहाँ पर दोस्तों हम आपको सबसे पहले क्या दिखाते हैं कि बिंदु ए दिया हुआ है, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को छोड़ के आपको बताते हैं क्या करना है आपको। देखिए बीच में एक दोस्तों आपको एक सीधी लाइन लेनी है, इस प्रकार से एक सीधी लाइन ले लीजिए आप। ओके इसमें दोस्तों आपको HP VP कुछ नहीं लिखना है, बस XY लिख देना है और जितना हो सके उतना लंबा लीजिएगा लाइन, क्योंकि हमें चार लाइन बनाना है, ठीक है? चार पॉइंट बनाना है हमें। ओके इस प्रकार से ले लिए दोस्तों, इसको हम बोलेंगे X और Y लाइन। ओके दोस्त अब XY लाइन हमने बना दिया। अब दोस्तों हम कंडीशन देखते हैं इसमें, तो कंडीशन आपको दिख रहा होगा पॉइंट ए का मतलब बिंदु ए का लिखा हुआ है HP में है तथा BP के 30 mm पीछे, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए आपको ऐसे नहीं दर्शाना था दोस्तों, यहाँ पे HP VP लिखा रहता था तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते थे कि HP से कितना दूरी है, BP में कितना है, ठीक है? ऐसा कुछ दिया नहीं इसमें, क्योंकि हमें HP VP लेना नहीं, सिर्फ X और Y लाइन लेना है। तो देखिए क्या करना है आपको, कैसे इसको समझना है आपको दोस्तों, कुछ ऐसा पॉइंट ले लेना है ड्राइंग शीट में जहाँ पर आप पेपर बनाएं दोस्तों किसी कोने में, ठीक है? तो फ्रंट वाले पर दोस्तों, बैक वाले कोने पर आप इस साइड में इतना थोड़ा सा मतलब जगह बना लीजिए दोस्तों, वहाँ पर लिख दीजिए रफ, ठीक है? रफ लिख के आप कुछ इस प्रकार से करिएगा। देखिए जैसे बता रहे हैं आपको, एक दोस्तों ऐसे लाइन लेना है आपको ये, ठीक है? ऐसे लाइन लेना है, ये हमारा क्या होगा दोस्तों HP होगा, ये हमारा क्या होगा HP होगा, ये दोस्तों हमारा क्या होगा BP होगा, ठीक? और सेम नीचे भी हमारा क्या होगा BP होगा। ओके हम देखते दोस्तों यहाँ पे बोला है इन्होंने HP में, जो पॉइंट ए है वो HP में रहने का मतलब क्या होता है कि इस रेखा पर कहीं भी है, ठीक है? HP में है, अगर कुछ दूरी बताया होता HP से इतने सेंटीमीटर ऊपर है, इतने mm नीचे है, अगर ऐसे बताया होता तो हम देखते हैं कि हाँ इधर कहीं है, ठीक है? लेकिन बोला HP में है तो मतलब इसी रेखा पे है, अगर बोलेगा BP में है तो मतलब इसी रेखा पे, ठीक है, कहीं पे है। अगर दूरी दिखा देगा दोस्तों कि BP से इतना आगे पीछे, इतना आगे है या इतना पीछे है, तो दोस्तों इधर उधर लेंगे, ठीक है? अगर बोलेगा हमारा BP में ही तो मतलब इसी रेखा पे, ठीक? अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हमारा HP में जब है तो हम जान गए किसी रेखा पे है, लेकिन अभी हमें पूरा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हुआ कि कहाँ पे है। HP में है तो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, ठीक है? तो इसके लिए हम दूसरा आगे बढ़ के दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि BP के 30 mm पीछे है, ठीक है? हमें पता था कि HP में ही है मतलब इसी रेखा पे है, लेकिन BP के 30 mm पीछे है। पीछे रहने का मतलब क्या हो दोस्तों, अगर हम इस साइड चलते हैं तो इस साइड हमें आगे दर्शाता है, अगर हम दोस्त इस साइड चलते हैं तो ये इस साइड हमारा पीछे दर्शाता है BP के, ठीक? इस साइड हमें BP के आगे दर्शाएगा, इस साइड हमें BP के पीछे दर्शाएगा, ठीक है? हम जानते थे कि इसी रेखा पे कहीं पे है ए पॉइंट, तो बोला है इन्होंने दूसरे वाले में कि BP से 30 mm पीछे, माना कि दोस्तों 30 mm हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 30 mm है। ओके तो हमारा जो लोकेशन हो जाएगा वो ये पॉइंट हो जाएगी, कौन सा लोकेशन हो जाएगा दोस्तों, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? और इसके पहले दोस्तों क्या बोला था, HP में है मतलब हम दोस्तों इस पॉइंट को मान लेंगे, इस पॉइंट को मान लेंगे एक ए पॉइंट, ठीक है? ए डैस कर लेंगे इसको हम, और जो दोस्तों बीपी के 30 mm पीछे है तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको दोस्तों बोलेंगे ए पॉइंट, ठीक है? हमें दो कंडीशन मिला था, अगर हमें HP में बोलेगा तो यहाँ ले लेंगे, BP में बोलेगा तब भी यहीं पे लेंगे, ठीक है? अब दूसरा बोलेगा दोस्तों हमारा इसने इतने दूरी पे है तो हम दूरी ले लिए। अब देखिए इसको दोस्तों कैसे आपको दर्शाना है XY रेखा पे, इसको XY रेखा आप थोड़ा सा मान सकते हैं दोस्तों कि हमारी ये जो लाइन गई BP वाली, यही हमारा XY रेखा है, ठीक है? मान सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस वाले यहाँ तक हमारा क्या हो गया, एक रेखा हो गया, ठीक? ये हमारा 30 mm की एक रेखा हो गया। हम क्या करते हैं, इसको दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्शन ले जाएंगे, ठीक है? गोला प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नुकीला मतलब लोहे की सिरे दोस्तों यहाँ पे रखेंगे पेंसिल के यहाँ पे, तो ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो जो दोस्तों यहाँ पे आ गया यही हमारा क्या होगा, ए पॉइंट होगा। ए क्या होगा दोस्तों, ए पॉइंट होगा। और ये जो दिख रहा है आपको ना दोस्त, ये जो दिख रहा है ये भी हमारा कितना होगा, ये वाली दूरी हमारी 30 होगी, ठीक है? यही आपको बनाना है इसमें, यही दोस्तों क्या करना है आपको इसमें बनाना है। अब देखिए कैसे बना के आपको दिखाता हूँ। आप दोस्तों यहाँ पे बनाए हैं ये चीज़, ठीक है? पहली रेखा खींचे हैं आप,
तो क्या करना है आपको, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जीरो है दोस्त, तो तीस देखिए यहाँ से इस वाले पॉइंट से 30 mm हमें ऊपर ले जाना है, मतलब इस वाली रेखा से जो हॉरिजॉन्टल रेखा है उस हॉरिजॉन्टल रेखा से हमें 30 mm ऊपर ले जाना है। ठीक, तो 30 mm दोस्तों कहाँ होगा, यहाँ होगा देखिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी एक रेखा हो गई जो कि हमारा दोस्तों क्या है, प्रोजेक्शन है। अब ये दोस्तों हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा ए डैश, ये पॉइंट होगा दोस्तों हमारा ए। ठीक, ये हमारा ए का पोजीशन मिल गया। यहाँ दोस्तों आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, ना कि कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक, अब हम दूसरा कंडीशन दोस्तों देखते हैं। अगर दूसरा कंडीशन आपको दिख रहा होगा, बिंदु बी एच पी से 40 mm नीचे है। ठीक, अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा एच पी है, बोला कितना है कि एच पी से 40 mm नीचे है। ठीक, 40 mm नीचे दोस्तों हमारा कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा 40 mm यहाँ पर आएगा, तो ये हमारा कोई बी पॉइंट हो गया, बी डैश हो गया। ठीक, दूसरा क्या बोला दोस्तों, बी पी के 25 mm सामने, सामने मतलब इस साइड। ठीक है, तो 25 mm मान लेते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे है, तो ये हमारा दोस्तों क्या होगा, 25 mm हो गया। ठीक, ये हमारा क्या होगा, 25 mm हो गया। अब इसका प्रोजेक्शन दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको गोला प्रकार से इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, गोला प्रकार से यहाँ दोस्तों नुकीला लोहे सिरा रखेंगे, यहाँ पेंसिल सिरा रखेंगे, तो इस साइड घुमाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो दोस्तों दूरी है यही हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई बी पॉइंट रहा होगा, तो बी पॉइंट प्रोजेक्ट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसका प्रोजेक्शन दोस्तों यहाँ पे आ गया। अब हमें यही चीज़ बनाना है उसमें, देखिए कैसे बनाएंगे हम इसमें, और कैसे बनाना दोस्तों, यहाँ पे 30 mm की दूरी पे बनाना है। मतलब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आप बोला था आपस में 30 mm की दूरी पर है। ठीक है, जो प्रोजेक्शन है आपस में कितने दूरी पर है दोस्तों, 30 mm की दूरी पर है। तो पहला प्रोजेक्शन दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला था, तो 30 mm हमारा कहीं यहाँ पर आएगा, तो इस पॉइंट पर हमें बनाना है। ठीक, हमें क्या बनाना है, इस तरीके से बनाना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 25 होगा, क्योंकि ये 25 था दोस्तों, तो ये भी हमारा क्या होगा, 25 होगा। ठीक, और ये दोस्तों टोटल हमारा कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना होगा दोस्तों, 40 होगा, जैसे कि उसमें दिया हुआ था। हम दोस्तों सबसे पहले 25 लेते हैं यहाँ पर इस रेखा पर, देखिए इस प्रकार से आपको रखना है, फिर 25 ले लेना है। ठीक, यहाँ पर 25 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, उस थोड़ा सा इसको हल्की लाइन लेंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 40 हमें पूरा लेना है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे दोस्तों 40 mm को, फिर मिला देंगे इसको। देखिए तो ये पॉइंट जो है दोस्त, ये जो पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था, और ये वाला हमारा दोस्तों क्या था, बी डैश था। ठीक, हमें दूरी भी दिखाना रहेगा दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस वाले को 25 कर देंगे और टोटल को हम क्या करेंगे दोस्तों, 40 कर देंगे। ठीक है, दूरी हम लास्ट में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक, अब दोस्तों अगर हम तीसरा कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु सी एच पी से 40 mm नीचे है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम बना लेते हैं, सबसे पहले ये हमारा क्या है, एच पी है, ये है दोस्तों हमारा क्या है, एच पी है, ये हमारा बी पी है। ठीक, अब 40 mm नीचे है, मतलब इस साइड होगा दोस्तों, तो हमारा इसी रेखा पर कहीं मान लेते हैं हमारा इस पॉइंट पर 40 mm की दूरी है, ये हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 mm हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारे पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, सी डैश हो जाएगा। ठीक है, ये सी डैश हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं, तथा बी पी के 25 mm पीछे है। ठीक है, बी पी से दोस्तों कितना है, 25 mm पीछे है, मतलब मान लेते हैं इतना दूरी हमारा गया 25 mm है ये। ठीक, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक, सी पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोस्तों क्या करते हैं, अधिकतर लोग गलती कर देते हैं ये कि दोस्तों प्रोजेक्शन जो लेते हैं वो नीचे साइड ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लेना आपको प्रोजेक्शन, आपको क्लॉक वाइज लेना, क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे लेना दोस्तों, इस साइड घुमा के लेना आपको, ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक, ना कि ऐसे घुमा के लेंगे, ऐसे घुमा के लेंगे तो दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं घुमाएंगे इसको दोस्तों, प्रोजेक्शन हम इस साइड ले जाएंगे, इस साइड दोस्तों ले जाएंगे घुमा के। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा सी पॉइंट। ठीक, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 25 ऊपर बनाना है और नीचे 40 बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम ले लेते हैं ये 30 mm की दूरी। पहले देखिए 30 mm की दूरी हमारा इस पॉइंट पर हो गया दोस्त, इस पॉइंट पे हो गया। यहाँ से दोस्तों क्या करते हैं, 25 mm हमें ऊपर ले जाना है, तो इस पर रखते हैं हम एम डी को, और 25 mm हम ऊपर ले जाते हैं, 25 मतलब हमारा दोस्तों यहाँ पे हो गया। ठीक, ये हो गया, और 40 हमें नीचे लेके आना है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 25 क्या था, ये दोस्तों 25 हो गया, और 40 हमें नीचे ले जाना है, तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 नीचे ले लेंगे। ठीक, बहुत केयर करके दोस्तों आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे जितनी क्लियरिटी रहेगी दोस्तों उतना नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये दोस्तों आपका पॉइंट था सी डैश। ठीक, ये हमारा पॉइंट था दोस्तों सी। ठीक है, अभी हम सारा दूरी दर्शा देंगे यहाँ पे। ओके, अब दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं जो हमारा लास्ट कंडीशन है, तो लास्ट कंडीशन में क्या बोला है,
कि बिंदु डी बी पी, यहाँ सबसे पहले बी पी बोल दिया ठीक है, बी पी के 25 mm पीछे है। अब देखिए बी पी के 25 mm पीछे का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि इस साइड होगा ठीक है, इस साइड होगा हमारा 25 mm पीछे है। मान ला कि फिर से बनाते हैं इसको, देखिए 25 mm पीछे का मतलब इस साइड होगा ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 25 mm होगा ये ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है कि भूमि पर है ठीक है, तथा भूमि पर, भूमि का मतलब हमारा ग्राउंड पे एच पी में है ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए आपको पता है कि इसका जो हमारा पोजिशन जाएगा वो इस साइड जाएगा ठीक है, आपको ये पता है इसका पोजिशन यहाँ पर जाएगा। ले लेते हैं इसका पोजिशन यहाँ पर 30 mm की दूरी पर, 30 mm की दूरी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। हमें ऊपर ले जाना है 25 mm, हम 25 mm ऊपर ले जाते हैं केयर करके। उसके बाद जो ग्राउंड वाला दिखाना, देखिए आपको बताते हैं कैसे दिखाना ग्राउंड वाला, ये हो गया आपका 25 mm ठीक है। ग्राउंड वाला मतलब दोस्तों ये जो दूरी जितनी हमने बनाई है उसके कुछ नीचे दोस्तों आपको आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेनी है। जैसे आपको, जैसे आपने ये लाइन खींची थी ठीक है, इसी के पैरेलल एक लाइन खींच लेनी है जिसको हमें जी एल का नाम देना है, मतलब ग्राउंड लेवल, जी एल ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल। मतलब इसका मतलब होगा कि ये ज़मीन है ठीक, हमें इस वाली लाइन को डायरेक्टली पूरा यहाँ तक खींच लेना है। इस वाली लाइन को दोस्तों क्या करना है, पूरा नीचे तक खींच लेना है, बस यही आपका बन गया प्रोजेक्शन। तो ये जो पॉइंट होगा दोस्तों जी एल पे, ये हमारा डी पॉइंट होगा, सॉरी डी डैश होगा, यहाँ पे डी डैश हो जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा दोस्तों ये हमारा होगा डी ठीक है। अब दूरी हम दिखा देते हैं दोस्तों, तो दूरी क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 25 है, आपको बहुत केयर करके दिखाना दूरी। आपको दोस्तों ये से पूरा बना लेना है ठीक है, दूरी सब दिखा देनी है, और नीचे आपको यहाँ पे एक लाइन खींच के लिख देना है ऑल डायमेंशंस इन एमएम ठीक है, ऑल डायमेंशंस इन एमएम, इन एमएम ठीक है, बस ऐसे आपको लिख देना है ठीक है, ऑल डायमेंशंस इन एमएम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए पूरी सब एक बार दोबारा मिला लेना है, कहीं हमने गलती तो नहीं किया, क्योंकि आप पेंसिल से बनाए रहेंगे दोस्तों, आप पेंसिल से मिटका के उसको बना सकते हैं ठीक है। अगर आप गलती किए रहेंगे तो पेंसिल से मिटका के बना सकते हैं, तो जरूर चेक कीजिएगा बनाने के बाद ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा जो ड्राइंग था वो बना के तैयार कर दिया, आपको दिख रहा होगा एकदम अच्छे से पूरा, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर फिनिशिंग जो है बहुत अच्छा है ओके। आप भी जब बनाइएगा दोस्तों फिनिशिंग का ध्यान दीजिएगा, कम से कम मिटकाना पड़ेगा आपको ठीक है। तो आइए दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और कोई क्वेश्चन हो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगा, समझ में आया कि नहीं आया ठीक है। और दोस्तों वीडियो को शेयर तो जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।